टीम इंडिया इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच रोहित शर्मा को प्रैक्टिस सेशन के दौरान अंगूठे में चोट लग गई। रोहित शर्मा ने अपने अंगूठे में टेप भी लगाया, हालांकि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और वे फाइनल मुकाबले के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। टीम इंडिया ने पिछले 10 सालों से एक भी आईसीसी खिताब नहीं जीता है। इस सवाल पर रोहित शर्मा ने कहा कि एक कप्तान के तौर पर सभी खिताब जीतना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कप्तान के तौर पर एक दो चैंपियनशिप भारत को दिलाकर जाऊं। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, अभी हमारा सारा फोकस इस मैच पर है और पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सोचना बेकार है। पाकिस्तान का दौरा न करने के बीसीसीआई के फैसले के बाद पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा था, जिसे अब भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने खारिज कर दिया है। इससे पीसीबी बहुत निराश है। खबरों के मुताबिक नाराज पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के बायलैटरल वनडे सीरीज खेलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। चोट के चलते जसप्रीत बुमराह डब्ल्यूटीसी फाइनल से बाहर है। इस पर पूर्व गेंदबाज एस श्रीसंत का कहना है कि भारतीय टीम इंग्लैंड में होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल में बुमराह को मिस करेगी, क्योंकि इन परिस्थितियों में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा होता है। महेंद्र सिंह धोनी ने 2019 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास का ऐलान किया था। एमएस धोनी के रिटायरमेंट को लेकर वसीम अकरम का कहना है कि धोनी भारत के लिए कुछ और समय तक खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो धोनी है और वो जानते हैं कि क्या सही है। साथ ही अकरम ने ये भी कहा कि खेल को लेकर धोनी में अब भी बहुत जुनून है। टीम इंडिया जुलाई में वेस्टइंडीज का दौरा करेगी। इस टूर पर भारतीय टीम 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 खेलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दौरा 12 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। 12 से 16 जुलाई तक पहला टेस्ट और 20 जुलाई से 24 जुलाई तक दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज के एस भारत ने खुलासा किया है कि आईपीएल के दौरान उन्होंने धोनी से विकेट कीपिंग को लेकर बात की थी और उनसे काफी कुछ सीखने की कोशिश की थी। भारत ने कहा कि हाल ही में मैंने माही भाई से विकेट कीपिंग को लेकर बात की थी, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने इंग्लैंड में कीपिंग के अपने अनुभवों के बारे में मुझे बताया। पूर्व कप्तान विराट कोहली का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से जो भी द ओवल की परिस्थितियों से बेहतर तरीके से तालमेल बिठाएगा वही डब्ल्यूटीसी फाइनल में जीत दर्ज करेगा। कोहली ने पिच से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार किया और अपनी टीम से सावधानी और ध्यान के साथ खेल को अपनाने का आग्रह किया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पुष्टि की है कि तेज गेंदबाज स्कॉट बोलेंड द ओवल में भारत के खिलाफ शुरू हो रहे डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए अंतिम एकादश का हिस्सा होंगे। बोलेंड जोश हेजलवुड के स्थान पर आएंगे और माइकल नेसर बाहर जाएंगे, जो 15 सदस्यीय डब्ल्यूटीसी टीम में बाद में शामिल हुए थे। भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु और एचएस प्रणय मंगलवार को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर के मैचों में हार के बाद बाहर हो गए, जबकि किदांबी श्रीकांत दूसरे दौर में पहुंच गए। डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में टूर्नामेंट में आने वाली सिंधु शुरुआती दौर में ही मौजूदा विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से मुकाबला हार गईं।